हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका धर्म क्लासेस में आईसीटी क्लासेस की हम बात करेंगे आज ठीक है आईसीटी में टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम ठीक है नंबर सिस्टम अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा क्वेश्चन लिखने के बाद हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे उस टेक्निक पर ध्यान देंगे क्वेश्चन है एग्जाम का कन्वर्ट -45 फोर्टी फाइव इन फॉर्म ठीक अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसका कन्वर्जन बेस क्या है रेंज क्या है नंबर सिस्टम क्या है उनके बारे में जानना जरूरी है तो इस क्वेश्चन को अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं ठीक है इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे पहले इसके पीछे बैक की हिस्ट्री हम ध्यान देते हैं अब बैक हिस्ट्री क्या है सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम कितने नंबर सिस्टम होते हैं हमारे पास हमारे पास चार नंबर सिस्टम होते हैं पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम दूसरा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम चौथा हमारा हैग्जा डेसिमल नंबर सिस्टम यहां इसका ये बेस है और ये हमारा क्या होगा बच्चे रेंज होगा आखिर चारों नंबर सिस्टम है क्या अगर वैल्यू जीरो से शुरू होती है और एंड होती है वन पर अब हम सिर्फ दो वैल्यू लेते हैं जीरो और वन ठीक है जीरो वन दो वैल्यू ले रहे हैं और ये तो टोटल वैल्यू कितनी है इस रेंज के अंदर दो तो इसका बेस कितना हुआ दो अगर मैं जीरो से लेके सेवन तक की वैल्यू ले रहा हूं तो टोटल वैल्यू कितनी हुई बच्चे हमारी एट तो बेस क्या हुआ एट और इस वैल्यू से इस रेंज की जीरो सेवन तक की वैल्यू का यूज करने के बाद जो नंबर क्रिएट होगा उस नंबर को हम क्या कहेंगे ऑक्टल नंबर नंबर और से से जो क्रिएट होंगे उसे कहेंगे बाइनरी जिसका बेस होगा सेम लेके टोटल वैल्यू हुई आपकी टेन द बेस विल बी टेन एंड द नंबर फॉर्म इस इन वैल्यू से जो नंबर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे डेसिमल नंबर क्लियर एंड द लास्ट इज एमल जीरो टू नाइन एंड टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और ये हमारा फिफ्टीन ठीक है अब जीरो से लेके फिफ्टीन जीरो से लेके फिफ्टीन तो टोटल वैल्यू कितनी हुई हमारी सिक्सटीन तो बेस कितना होगा हमारा सिक्सटीन लेकिन बच्चे एक बात ध्यान देना कि यहां पे इन सब रेंज में सिंगल सिंगल डिजिट है एक एक लेकिन यहां पे डबल डिजिट है तो डबल डिजिट में कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम ये टेन है या वन जीरो है तो इसे सिंबल देते हैं इसे ए इसे बी इसे सी मानते हैं इसे डी इसे ई e और इसे एफ तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हाइजाडेसिमल का रेंज बताइए तो होगा जीरो टू नाइन एंड ए टू एफ ठीक है ये बात पहले क्लियर हुई आपकी कि नंबर सिस्टम हम चार नंबर सिस्टम की बात करेंगे बच्चे बाइनरी, ऑक्टल डेसिमल, हाइजा ठीक है बाइनरी का बेस होगा टू ऑक्टल का एट एसी का टेन हाइज एसी का सिक्सटीन और ये बेस किससे फाइंड हुआ हमारा रेंज से रेंज में जितनी वैल्यू है वो उसका बेस कहलाएगा और वो उसका बेस टू है तो बाइंड्री ऑक्टल पहले ये समझ आना जरूरी है ये समझ आ गया आपको अब इनका कन्वर्जन बच्चे अगर हमेशा जो है नंबर अंदर लिखा जाता है बच्चे और बेस उसका हमारा उसके बाहर आता है मान लीजिए मैंने मुझे एक नंबर लिखना है और बेस मैंने लिया यहां पे एट अब बेस एट लिया है तो एट के जो रेंज होती है वो होती है जीरो टू सेवन यानी कि मैं अंदर जो नंबर लिखूंगा वो एट बेस के रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए मान लीजिए मैं लिखा सिक्स थ्री फाइव ठीक है यस सिक्स एंड थ्री एंड फाइव ये तीनों जो वैल्यू है वो जीरो सेवन के बीच में है तो ये क्वेश्चन ठीक है लेकिन अगर मैं यहां पे 8 बेस और थ्री तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा क्यों फाइव एंड थ्री तो इस रेंज में इस बेस के रेंज में लाइक करता है लेकिन जो नाइन वैल्यू है वो इस रेंज से बियॉन्ड चली जाती है जो कि इससे बाहर है तो ये क्वेश्चन गलत हो गया ये ठीक है तो हमेशा जो नंबर है वो बेस के रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए पहला तो ये क्लियर हुआ इसके बाद तो सेम ऐसे ही बचे मैं आपको एक कन्वर्जन सिखाता यहां पे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे 65 अब 65 का बेस 10 है इसे कन्वर्ट किस में करना है हमें बाइनरी में यानी बेस 10 हमने लिया ठीक है और इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो कैसे सॉल्व करेंगे दो तरीके सिक्सटी फाइव ठीक है सिक्सटी फाइव बेस टेन है टू में करना है तो जिस बेस टेन को अगर जिस बेस में करना होता है अगर डेसिमल वैल्यू को अगर बेस टू में करना है तो हम इसे टू से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर साथ में लिखेंगे कितना होगा बच्चे टू थ्री जी सिक्स टू फोर वन टू वन सिक्स जीरो टू एट सिक्सटी जीरो टू फोर और एट जीरो टू टू फोर जीरो और टू वन जीरो टू, अब आगे तो जाएगा नहीं बच्चे अब हमें क्या करना है कि नीचे से बच्चे यहां से ऊपर आना है आपको किसी भी डेसिमल वैल्यू को जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उस बेस से हम लगातार डिवाइड करते हैं जब तक वो एंड नहीं हो जाता फिर हम यहां से नीचे से ऊपर आते हैं तो ये वैल्यू कितनी हुई बच्चे हमारी वन जीरो 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 वन यानी कि वन के बाद कितने जीरो है बच्चे फाइव जीरो एक दो तो, तीन चार पांच और ये वन ठीक है ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया हमारा ठीक लॉजिक पे ध्यान देना बच्चे जैसा हमने इसको कन्वर्ट किया है वैसे कोई भी बेस डेसिमल वैल्यू हम किसी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं तरीका यही रहेगा देखो जब आपको टेन से टू में कन्वर्ट करना था टू से डिवाइड किया आपने लेकिन मान लीजिए यही सिक्सटी फाइव होता और सिक्सटी फाइव बेस्ट टेन है इसे मैं कन्वर्ट कहता कि एट में कन्वर्ट करो तो हम दो की जगह यहाँ पे किससे करते हैं एट से करते तो सिक्सटी फाइव जो है वो एट से कन्वर्ट एट से हमें एट में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो एट से डिवाइड करेंगे और शेष या रिमाइंडर यहां लिखेंगे जैसे ये किया है नीचे वाला ये 8, 8 64? बचाया कितना हुआ एट एट या सिक्स फोर बचा कितना बचे एक ठीक है फिर एट वन जाए एट हुआ बच्चा फिर कितना हुआ जीरो अब यहां से ऊपर जाएंगे तो क्या हुआ वन जीरो वन वन जीरोप्ट ध्यान दोगे बच्चे तो कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे तो जिस बेस में कन्वर्ट करना है टेन को यानी डेसिमल वैल्यू को जिस बेस में उससे आप डिवाइड करिए और आंसर आपको मिल जाएगा क्लियर ठीक इसके बाद अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको इसको रिवर्स करते हैं हम उसका ठीक है इसको हम अलग कर देते हैं ये क्वेश्चन ताकि ये मिक्स ना हो वन जीरो जीरो वन जीरो हमारा क्या बच्चे बेस टू बाइंड्री है इसे कन्वर्ट किस में करना है डेसिमल वैल्यू में अब टू को टेन में कन्वर्ट करना है तो किसी भी बेस को चाहे वो टू हो एट हो सिक्सटीन हो डेसिमल में करना है तो पहले आप टू के अंदर कितनी वैल्यू है उसको काउंट करो एक दो तीन चार पांच फाइव वैल्यू है उस बेस को आप जितनी अंदर वैल्यू है उतनी बार लिखिए

एटीन ये हमारा 18 आंसर हो गया ठीक है तो अभी हमने क्या सीखा कन्वर्जन किसी भी बाइनरी को या किसी भी अदर बेस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं तरीका यही रहेगा बच्चे लॉजिक यही रहेगा और किसी भी डेसिमल वैल्यू को हम कन्वर्ट करना है हमें बाइंड्री में तो ये तरीका रहेगा आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको इसका बच्चे एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको उससे उससे भी आप आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं एक सीरीज याद रखिएगा बच्चे वन से स्टार्ट करना है और हमेशा उसको डबल करना है यानी कि देखिए वन का डबल टू टू का डबल फोर फोर का डबल एट एट का डबल सिक्सटीन सिक्सटीन का डबल थर्टी टू थर्टी टू का डबल सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर का वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट का टू फिफ्टी सिक्स एंड सोन ये बच्चे बिट की वैल्यू है ये हमारी क्या होती है बिट की वैल्यू इसको कैसे करना है इस सीज याद करने की जरूरत नहीं बच्चे ये तो खुद ही याद है बस एक से स्टार्ट करना है और डबल कर जाना है। एक है दो ए, चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ एक सौ अट्ठाइस दो सौ छप्पन पांच सौ बारह एक हजार चौबीस तो ये दिमाग में फिट रहेगा याद रहेगा बच्चे अब मैंने क्या पूछा था बच्चे सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव को बाइनरी में कन्वर्ट करना है सिक्सटी फाइव है इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप पहले ये जो वैल्यू है 65 इसको फाइंड करिए कि ये इस सीरीज में कहां पर है, कहां पर लाई कर रही है। अगर वो, है, है, 65 है, 65 है, तो तो वो वैल्यू हमें यहां मिल गई दो वैल्यू एड करने से ये वैल्यू बन रही है अब जिनको एड करके वो वैल्यू बन रही है उस जगह उस प्लेस पर आप क्या लिखिए वन और बाकी रिमेनिंग प्लेस पे आप क्या प्लेस कर दीजिए जीरो मतलब कि जो वैल्यू जिस वैल्यू का आपको बाइनरी निकालना है उस वैल्यू को इस सीरीज में फाइंड करिए और जहां पर ये वैल्यू मिल जाए ऐड करके देख लीजिए और वहां पर एक लिखिए वन प्लेस करिए और बाकी जगह जीरो ये आंसर आपका देखिए वन तीन चार पाँच छम आंसर सेम आंसर है जो पहले किया था अब इसका रिवर्स करके देखते हैं बच्चे रिवर्स में क्या है वन जीरो जीरो वन जीरो वन ये वैल्यू है बच्चे

जीरो है तो नहीं लिखना वन है तो लिखना है यानी कि वन ये रहा वन, फिर क्या टू सेकंड टू है यहां पे लेकिन टू पे क्या है जीरो तो टू को छोड़ दीजिए वन टू फोर क्यों लिखा क्योंकि वन है फिर क्या हुआ एट नहीं लिखना है जीरो है फिर क्या है अगला सिक्सटीन फिर क्या हुआ आपका थर्टी टू दोबारा देखेंगे एक दो चार आठ सोलह बत्तीस जो वन है वहां पे लिखा और जहां जीरो वहां पे नहीं लिखा ठीक है अब इनको ऐड कर देना है ऊपर तो 32 टू प्लस फोर थर्टी सिक्स और एक 37 सेवन थर्टी सेवन आंसर ठीक है तो ये तरीका है हमारा ठीक तो समझ आए बच्चे ये हमारा बाइनरी टू डेसीमल था ये डेसीमल टू बाइनरी ये उसका शॉर्टकट है जो मैंने अभी भी कराया था अभी जस्ट तो मैं ये करता हूं आप इसे करिए ठीक इसको देख लीजिए अब इसी बेस पे एक नंबर है आपके सामने एक नंबर यहां पे लिखा जाए लिखते हैं एक बाइनरी नंबर है आपका नंबर है आपका वन वन जीरो जीरो वन जीरो नंबर है अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बच्चे कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए बच्चे क्या निकालिए वंस कॉम्प्लीमेंट

इस नंबर में जहाँ जीरो को वन कर दिया वन को जीरो कर दिया तो ये नंबर ये हमारा क्या हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट उल्टा करना ठीक है वन, कर जिरो, जिरो कर। वन मतलब का जीरो जीरो का वन मीन्स ऑन जीरो मतलब ऑफ अब सेकंड, वो आपसे कहेगा बच्चे इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालिए बच्चे इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो बच्चे जो वंस कॉम्प्लीमेंट आपका आया है उसमें अगर आप एक ऐड कर देते हैं बाइंड्री में एक ऐड कर देते हैं तो उसका क्या आ जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट अब ऐड कैसे करना है इसके लिए आपको बाइंड्री में ऐड करना आना चाहिए बाइंड्री में ऐड करना कोई ज्यादा टफ नहीं है बहुत सिंपल है जीरो जीरो, जीरो अगर हम बाइंड्री एडिशन की बात करें तो जीरो 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 होता है जीरो प्लस वन वन होता है वन प्लस जीरो बचे जीरो वन होता है लेकिन वन प्लस वन आप कहेंगे वैसे टू होना चाहिए है, ठीक है लेकिन टू नहीं बचे क्योंकि हम बाइंड्री की बात कर रहे हैं तो वन प्लस वन टू होता है लेकिन टू को अगर हम बाइंड्री फॉर्म में लिखे तो वन जीरो होता है तो वन प्लस वन की वैल्यू आई जीरो कैरी छोड़ देता है बच्चे आगे क्या वन वन प्लस वन जीरो कैरी वन बिकॉज अगर वन प्लस वन देखे बच्चे तो वो आपका टू होता है और टू को बाइंड्री में क्या लिखते हैं वन जीरो यूनिट लिख करके बाकी ये कैरी अदर पे चला जाता है तो ये याद रखिएगा बच्चे बाइंड्री में कि एडिशन में बाकी तो सिंपल है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जीरो 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 वन जीरो वन जीरो वन, जीरो, वन लेकिन ठीक है वन वन में बस जीरो आएगा और कैरी वन चलेगा अब इसको अप्लाई करेंगे यहां पर ये वन वन ये देखिए बच्चे वन वन जीरो कैरी वन तो वन वन कितना बचे जीरो और कैरी वन अब ये वन जीरो कितना हुआ? वन और ये तो वन है होगा ही और ये आंसर तो हमारा ये टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ठीक है एक बच्चे एक शॉर्टकट बताता हूं इसका इसका शॉर्टकट भी याद रखिए ये तो आपको आना चाहिए

तो कौन से नंबर पे है दूसरे नंबर पे हो सकता है बच्चे पहला वन आपके पहले पे सेम लिखा क्यों क्योंकि पहला वन सेकेंड नंबर पे है। यहां तक की वैल्यू को हमने सेम लिखा बाकी उसके बाद अगर वैल्यू बचती है तो उसका क्या निकालना है वन यानी जीरो का वन करना है वन का जीरो कितना बचे वन वन जीरो जीरो तो ये वैल्यू ये टूज देखो ये टूज और ये टूज सेम है ना सेम अब इसको इसका दूसरा तरीका मतलब एक और एग्जाम्पल से करते हैं बच्चे मान लीजिए ये वन 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 सॉरी वन फोर टाइम जीरो अब इसका टूज निकालना है इसका इस नंबर का अब मैंने क्या कहा राइट साइड से पहला वन जब तक ना मिल जाए अब राइट साइड सीधे हाथ की तरफ से एक दो तीन चार पांच पहला वन तो लास्ट में ही है ठीक है तो वहां तक की वैल्यू सेम लिखनी है तो वहां तक की वैल्यू मैंने सेम लिख दी इसके बाद कोई वैल्यू है नहीं तो आंसर जैसे एक और बात करते हैं वान 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 वान। अब इसका टूज़ निकालना है बच्चे तो पहला वन तो पहले नंबर पे ही है तो पहले नंबर पहला वन लिखा और बाकी रिमेनिंग को क्या है? रिवर्स कर दिया वन का जीरो जीरो का वन तो ये आंसर समझ दोबारा कहता हूं तो दोबारा ध्यान सुनो जब किसी नंबर का टोस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो राइट साइड से हम ये देखते हैं कि पहला वन कब मिल रहा है चाहे वो पहले पे मिले चाहे बीच में जाए जब तक पहला वन ना मिल जाए तब तक आपको वहां तक की वैल्यू को सेम लिखना है उसके बाद अगर वैल्यू बचती है तो उसको आपका क्या करना है वन कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो का वन वन का जीरो वो आपका टोस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा ये तरीका है एक शॉर्टकट क्लियर अब बच्चे नेगेटिव वैल्यू है बच्चे 45 माइनस फोर्टी को बाइनरी में निकालना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले आप ये देखिए कि जो नेगेटिव वैल्यू है बाइनरी में नेगेटिव वैल्यू को कैसे फाइंड करना है इसके लिए इसके तो एक बच्चे हमारा पहला तरीका होता है साइन मैग्नीट्यूड साइन मैग्नीट्यूड इसका पहला तरीका क्या बच्चा हमारा साइन मैग्नीट्यूड <coughs> ठीक है और दूसरा हमारा बच्चे यहां पे क्या है कॉम्प्लीमेंट मैथड ठीक है साइन मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट मैथड अब साइन मैग्नीट्यूड और कॉम्प्लीमेंट मैथड कॉम्प्लीमेंट मैथड मैथड जो है हमारा वो दो तरह का होता है बच्चे हमारा क्या होता है पहला होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हमारा क्या होगा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट तरीके से बच्चे हम नेगेटिव वैल्यू निकालते हैं किसी भी बाइनरी फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड क्या है? है।, साँग मेंटूड, साँग मेंटूड वर्ड लिखा है बच्चे तो साइन मैग्नीट्यूड में प्लस को डिनोट करते हैं बच्चे किससे जीरो से और माइनस को डिनोट करते हैं हम वन से कैसे मान लीजिए मैंने लिखा बच्चे यहां पे फाइव मैंने क्या लिखा बच्चे फाइव अब फाइव को बाइनरी में क्या लिखते हैं बच्चे ये हमारा फाइव को बाइनरी में आप को सर, five को binary में कैसे वो याद रखो ना सीरीज बताई थी बच्चे वन टू फोर याद ये लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे वन प्लस टू प्लस फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर ये सीरीज बताई थी अब फाइव वैल्यू निकालनी है तो फाइव क्या है फोर और वन फाइव तो यहां पे वन लिखा यहाँ यहां वन लिखा बाकी जीरो तो फाइव को क्या लिखेंगे बच्चे वन जीरो वन ठीक है फाइव वन जीरो वन हो गया हमारा ठीक है तो फाइव वन जीरो वन यहां से समझ गए बच्चे कैसे अब ये साइन महीने की बात कर रहे हैं तो अब मैं अगर यहां पूछूं कि प्लस फाइव की वैल्यू बताओ तो प्लस के लिए क्या है जीरो तो मैं आगे क्या लगा दूंगा जीरो हमारा प्लस फाइव हो गया अगर मैं पूछूं माइनस फाइव क्या होता है तो फाइव की तो वैल्यू ये थी आगे मैंने माइनस लगा दिया तो माइनस के लिए क्या होता है वन तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया वन तो ये आंसर तो प्लस के प्लस का आंसर ये होगा बच्चे और माइनस का आंसर क्या होगा ये होगा एक केस में होगा साइन मैगनीट्यूड बच्चे लेकिन हम ये लेते नहीं है क्यों साइन मैगनीट्यूड बहुत पुराना तरीका है और इसमें गलती इसमें ये वॉश तरीका है एक अच्छा तरीका नहीं कहा जाता पर पता होना चाहिए साइन मैगनीट्यूड में क्या है पहले नंबर का बाइनरी निकाला ठीक है फिर उसके आगे साइन प्लस है तो आगे जीरो पुट कर दिया और माइनस है तो आगे वन पुट कर दिया ये आपका साइन मैगनीट्यूड है ठीक एग्जाम में बच्चे क्या होता है कई बार ना ये जैसे चार है ये थोड़ी थो बड़ी वैल्यू है तो वो एट के फॉर्म में आता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले एग्जाम में ऑप्शन देखने। ऑप्शन देखने बच्चे हो सकता है चार में हो या आठ में हो बड़ी वैल्यू में हो बाइनरी में तो पहले आप उसका जो नंबर है उसका बाइनरी निकालेंगे निकालने के बाद देखेंगे सारे बाइनरी कौन से ठीक है उसके उसके बाद आगे वैल्यू देखेंगे प्लस है तो जीरो माइनस है तो वन ऐसा ठीक अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट की ठीक अब ये प्लस फाइव है इसी की बात करता हूँ बच्चे हमारा ये प्लस फाइव है हमारा प्लस फाइव और प्लस फाइव की वैल्यू कितनी थी बच्चे हमारी वन जीरो वन ये तो प्लस फाइव ठीक है और आगे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे जीरो अब वो कह रहा है कि बच्चे वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आंसर निकालिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ठीक अब इस वैल्यू का

अब आप कहोगे सर ये प्लस फाइव दिमाग में बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा सर यहाँ पे आप ये जीरो क्यों लगा रहे हैं आगे यहाँ पे वन कॉम्प्लीमेंट जीरो यहाँ पे जीरो क्यों लगा रहे हैं हम वन जीरो वन क्यों नहीं ले लेते ले ये लो वन जीरो वन क्यों नहीं ले लेते ठीक है रीजन क्या होता है बच्चे कि जब हम इस तरह का वंस कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम फोर फोर के ग्रुप बनाते हैं जनरली तो हम चार का ग्रुप बना लेते हैं तो ताकि चार है या आठ है इसलिए मैंने लिया है बच्चे ठीक है इसका लिंक इससे मत करना कि यहाँ प्लस फाइव था तो यहाँ जीरो लगा हो तो यहाँ भी जीरो लगा रहा हूँ ठीक है तो वैल्यू हमेशा वो हमेशा किस में ट्रीट करते हैं चार या आठ के ठीक है अभी कितना हुआ प्लस फाइव अब मुझे ही क्या है माइनस फाइव निकालना है तो यहां पर हमने क्या है सिंपल पूरे नंबर का क्या किया वन कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया वन का जीरो कर दिया जीरो का वन और यहां पर क्या करना है बच्चे टू कॉम्प्लीमेंट अभी तरीका बता शॉर्टकट राइट साइड से पहला वन राइट साइड से पहला वन कहा है पहले नंबर पे तो वहां तक वो लिखा बाकी जो ये रिमेनिंग वैल्यू है इसका क्या करना है जीरो का वन या वन का जीरो तो जीरो का क्या हुआ वन वन का जीरो और जीरो का वन ये आंसर ये हुआ माइनस फाइव तो ये जो वैल्यू आ रही है ठीक है ये हमारा क्या था टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल करके ठीक है ये आ रही है वन कॉम्प्लीमेंट में ये आ रही है बच्चे और साइन मैनीट्यूड में, में ये आ रही है ये तीनों तरीके से देख लो बच्चे अभी मैं एग्जाम्पल से कराऊंगा तो ज्यादा समझ आ जाएगा आपको और ठीक तो सबसे बेस्ट तरीका ये है सबसे बेस्ट तरीका ये है अगर एग्जाम में गिवन नहीं है कि जैसे ये है कन्वर्ट माइनस फोर्टी फाइव इंटू बाइंडरी फॉर्म देखिए उसने यह मैंशन नहीं किया कि वंस कॉम्प्लीमेंट में निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है या साइन माइनीट्यूड में निकालना है तो आप बाय डिफॉल्ट किसमें निकालेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे देखो मैं आपको दिखाता हूं करके यहां पे जैसे बच्चे ये है माइनस फोर्टी फाइव ये देखो यहां पर माइनस फोर्टी फाइव अब पहले माइनस भूल जाओ आप आप सिंपल निकालो। अब 45 का अब का हम इसको कर रहे हैं बच्चे। इसका है है, हमारा। ठीक इस तो, मतलब क्वेश्चन तो को दो से डिवाइड करो यहाँ रिमाइंडर यहाँ लिखो या फिर क्या करो अब देखो यहाँ फिर करें दो, दोनों दिखाते बच्चे टू टू फोर कितना हुआ यहाँ पे वन हो गया टू वन जबन जीरो, टू वन जीरो चार ये वैल्यू आ गई ठीक है यहाँ से ऊपर अब या इस केस में कैसे होते फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का मतलब क्या होता है बच्चे थर्टी टू थर्टी टू प्लस सिक्सटीन कितना हुआ फोर्टी एट ठीक है हालांकि हम फोर्टी फाइव चाहिए हमें तो एक काम करते हैं फोर्टी फाइव चाहिए तो थर्टी टू प्लस एट कितना हुआ फोर्टी 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 फाइव यानी कि फोर और ये वन थर्टी टू प्लस एट यानी चालीस फोर्टी और प्लस में फाइव फोर्टी फाइव तो जहां पर नंबर बना वहां पे क्या है वन और बाकी क्या लिखा हमने जीरो तो इस केस में भी यही आंसर आया बच्चे और यहां से भी आएंगे तो वन जीरो वन देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है चाहे ये तरीका इस्तेमाल कर लीजिए वन टू फोर वाला या फिर ये तरीका तो फोर्टी फाइव को हम क्या लिखते हैं ये बाइनरी में ये लिखते हैं ठीक है क्लियर फोर्टी फाइव का बाइंड्री ये हो गया लेकिन मैंने क्या कहा है बच्चे यहाँ पे 45 का बाइंड्री ये है मैंने क्या कहा है कि ये तो बच्चे चार का ग्रुप लो या फिर आठ का तो कितने वैल्यू देखो एक दो तीन चार सिक्स वैल्यू है इसे हम आठ में यानी चार से ऊपर पहुंच गया तो पूरा आठ का कॉम्बिनेशन बना लेंगे चार या आठ या बारह तो चार पांच छ एक और दो दो जीरो लग गई अब ये पूरा गिनिए काउंट करिए वन टू फोर एट सॉरी एक दो चार एक दो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ यानी कि आठ का कॉम्बिनेशन बन गया ठीक है अब मैंने क्या पूछा है माइनस फोर्टी तो फाइव गिवन कुछ नहीं है यहां कि वंस निकालना है टूज निकालना है तो मैंने क्या कहा है जब गिवन ना हो तो टूज निकालना है बाय डिफॉल्ट ये वाला ठीक है अब इस वैल्यू का ये जो वैल्यू आई है यानी आपने आठ में बना दिया एक्स्ट्रा जीरो लगा करके एक्स्ट्रा जीरो क्यों लगाया क्योंकि पहले वैल्यू कितनी थी सिक्स थी थ्री थ्री सिक्स थी फोर्टी फाइव की देखो फोर्टी फाइव की यही वैल्यू थी लेकिन ये पूरी सिक्स वैल्यू थी तो हमें दो और एक्स्ट्रा करके हमने इसे आठ में कन्वर्ट कर दिया यानी एट बिट में अब माइनस फोर्टी फाइव यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या निकालना है बच्चे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो आंसर होगा आपका ठीक अब कैसे निकालेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट पहला वन मैंने कहा राइट right साइड से पहला वन तो राइट right साइड से पहला वन कहां पे है पहले पे ही है तो वो लिखा वन अब बाकी उसके बाद ये जितनी वैल्यू बची है इसको जीरो का वन कर दो वन का जीरो कर दो तो जीरो का क्या हुआ वन ये क्या हुआ जीरो ये क्या हुआ जीरो ये क्या हुआ वन ये क्या हुआ जीरो ये क्या हुआ वन ये वन तो माइनस फोर्टी फाइव की वैल्यू ये आएगी ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट है इसका ठीक तो ये माइनस फोर्टी फाइव का आंसर ये होगा ऑप्शन में आपको ये होगा आंसर ये टिक करना है आपको ठीक है दोबारा टू राइट साइड से पहला वन पहले पे मिल गया हमें तो पहला वन तो हमने लिखा एज इट इज जैसे ये है और बाकी वैल्यू अगर बची है तो उसको उल्टा कर जीरो का वन वन का जीरो ये हमारा आंसर हो गया ठीक है तो ये हमारा नंबर सिस्टम था बच्चे ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है इस इसके थ्रू हमने कन्वर्जन भी सीखा बच्चे वन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है टू कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए देखिए और देखिए आपका आंसर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच करता है या नहीं करता ठीक है तो आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं कंप्लीट करते हैं ठीक है थीके? मिलते हैं अगली बार ओके थैंक यू